हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडल पेपर 21 देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर हम लोग मिलियन माइंड की बुक से पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्स कैंडल्स आर ब्रंट आउट एंड जोकंडे स्टैंड्स टिपटो ऑन द मिस्टी माउंटेन टॉप। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज लाइन्स। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपकी। नाइट कैंडल्स कैंडल्स आर ब्रंट आउट एंड जोकंडे स्टैंड्स टिप टॉप टिप टो ऑन द मिस्टी माउंटेन टॉप। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डे सरकम लोकेशन। ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, सरकम लोकेशंस। वन मिनट, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सरकम लोकेशन मीन्स क्या होता है, सरकम लोकेशन मीन्स होता है मतलब कपटपूर्ण बातें। जैसे मतलब क्या कि जैसे कोई चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे हम कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम सीधे सीधे ना बोल के घुमा फिरा के बातें करना, वही आपका सरकम लोकेशंस हो गया। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जहाँ पे एक्सप्लेन करने की चीज़ होगी वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है आर पैसेज ऑफ रिटोरिक। क्या कह रहा है कि ये एक टेक्निक है रिटोरिक के, सॉरी ये एक टेक्निक है रिटोरिक के पैसेज में। इन विच अ सीरीज ऑफ फ्रेजेज आर सेंटेंसेज इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सफुलनेस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिटोरिक के मतलब ये एक टेक्निक है रिटोरिक के पैसेज में, जिसमें वाक्यांश, फ्रेजेज मीन्स क्या होता है वाक्यांश, जिसमें वाक्यांश या सेंटेंसेज मतलब जिसमें वाक्यांशों या वाक्यों की एक श्रृंखला को बल के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित किया जाता है। मतलब जिसमें फ्रेज या सेंटेंसेस की एक सीरीज को क्या किया जाता है, एक सीरीज को उस पर क्या दबाव दिया जाता है, बल के बढ़ते क्रम में अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। इंक्रीजिंग की बात हुई है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर है, तो जिसमें असेंडिंग ऑर्डर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे कीवर्ड हम पकड़ेंगे, अगर कीवर्ड से जान ले तो हम जान सकते हैं जिसमें असेंडिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ क्रम होता है, वो हमारा क्लाइमेक्स हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स। और डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करता है घटता हुआ, तो एंटी क्लाइमेक्स बात करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो यहाँ पे क्लाइमेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें हमको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, तो हमारा करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हमारा ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कंस्पिकुअस, क्या पढ़ेंगे इसको, कंस्पिकुअस, सी ओ एन एस पी आई सी यू ओ यू एस, कंस्पिकुअस। कंस्पिकुअस मीन्स क्या होता है, विशिष्ट। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या होगा, ये विशिष्ट। ओके, विशिष्ट, इसको आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं इसको। ओके, स्पेसिफिक बोल सकते हैं, या फिर इसको डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं। अच्छा वर्ड है डिस्टिंक्ट, डी आई एस टी आई एन सी टी, डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, या फिर स्पेशल भी बोल सकते हैं, एटसेट्रा। ओके, तो कॉन्सपिकुअस मिस होता है, कॉन्सपिकुअस मत होता है विशिष्ट, तो यही हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, गारंटी की हमको सही स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे, तो गारंटी की स्पेलिंग आपकी क्या है, जी यू ए आर ए एन टी डबल ई, गारंटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ही सही हो जाएगा यहाँ पे, गारंटी। गारंटी मीन्स क्या होता है, हम तो इंग्लिश बोलते ही हैं, गारंटी मतलब होता है आश्वासन देना, जमानत जिसको बोलते हैं। ओके, आश्वासन देना या जमानत। नेक्स्ट, द पैराडाइज लॉस्ट इज द ग्रेटेस्ट सिंगल पोएटिक अचीवमेंट इन द लैंग्वेज, हु मेड दिस रिमार्क। ये किसका रिमार्क है, क्या कहता है, क्या कह रहा है वो कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ग्रेटेस्ट सिंगल पोएटिक अचीवमेंट है किसमें, लैंग्वेज में, ये किसका रिमार्क है, कौन कहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑसगुड, ये किसका रिमार्क है, ऑसगुड का। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पिरिट्स हैव बीन इन्वोक्ड इन द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में स्पिरिट को कितनी बार इन्वोक्ड किया गया है, मतलब आह्वान किया गया, आह्वान मीन्स क्या होता है, बुलाना, कितनी बार बुलाया गया है पैराडाइज लॉस्ट में
स्प्रिट्स को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, फोर टाइम्स मतलब चार बार स्प्रिट को इन्वोक किया गया है। नेक्स्ट, द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स मीन्स क्या होता है, भेड़िया, भेड़ियों का ग्रुप का क्या कहते हैं, मतलब भेड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, या भेड़ियों का ग्रुप कैसे बनेगा, हर्ड की, पैक की, फॉक या बंच। तो अ पैक ऑफ क्या होता है, अ पैक ऑफ वुल्व्स। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अ पैक ऑफ वुल्व्स, यानी कि भेड़ियों का झुंड, भेड़ियों की झुंड के लिए हम क्या लगाते हैं, पैक लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाय अ मंकी, यहाँ पे मंकी के साउंड की बात कर रहा है कि मंकी कैसा बोलता है, चैटर, ट्रम्पेट, ब्रे या नी। नी तो आपका कौन कौन करता है, हॉर्स, ब्रे, ब्रे कौन करता है आप लोग बताएंगे, ट्रम्पेट कौन करता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं कितनी बार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, चैटर, मंकी क्या करता है, चैटर करता है, इसकी साउंड क्या है, चैटर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए, एक मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चैटर। ओके, यहाँ पे अगर और भी देख लेंगे तो नी आपका हॉर्स करता है, ब्रे आपका एस करता है यानी कि डंकी, ट्रम्पेट ये हाथी, एलिफेंट का साउंड है और चैटर मंकी का साउंड है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा हाँ, ये लोग चैटर भी करते हैं, मंकी, गीबर भी कहीं कहीं आ जाता है, जी आई डबल बी ई आर, तो मंकी आपके चैटर भी इनका साउंड चैटर से निकलता है, गीबर से भी निकलता है। तो अगर ये पूछता है, चैटर ना पूछे गीबर पूछ लिया, तो दोनों ही आप याद कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट, द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ नाउन, सॉरी नन है ये, द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ नन, नन का मस्कुलिन फॉर्म क्या है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए, मॉन्क, मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर आपका नन है और इसका मस्कुलिन फॉर्म क्या है, मॉन्क। ओके, साधु या संत, मॉन्क मिस। नेक्स्ट, इन 1599 अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद शेक्सपियर्स नेम ऑन द टाइटल पेज अपीयर्ड, आइडेंटिफाई द टाइटल। क्या कह रहा है कि 1599 में एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आया था शेक्सपियर के नेम का, जो टाइटल पेज पर अपीयर्ड हुआ था, मतलब उस टाइटल पेज पर शेक्सपियर का नेम प्रकट था, अपीयर था, आइडेंटिफाई द टाइटल, उस टाइटल का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए, द पैसिनेट पिलग्रिम, यही आया था ना 1599 में। ओके, इसको पब्लिश किसने किया था, विलियम जैगर्ड ने, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिनेट पिलग्रिम। नेक्स्ट, ही लाइक्ड माई सजेशन, चेंज इंटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें हमको किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, ही लाइक्ड माई सजेशन। तो देख लेते हैं, जैसे कुछ आपके जो कंजंक्शन है ना उसको याद आपको होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन से कंजंक्शन आते हैं। जैसे आपके कंपाउंड सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गए, एज विल एज आ गए, एंड आ गया, बोथ एंड आ गया, देयर फोर आ गया, शो आ गया, तो ये सारे कंजंक्शन आपके कंपाउंड सेंटेंस के हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आपके जैसे बिकॉज आ गया, फॉर आ गया, आपका दैट आ गया, और क्या बोल सकते हैं आपके जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली हैं, व्हाट, व्हेन, हु, ये सारे भी आपके इसमें एडजेक्टिव क्लॉज भी आते हैं, एडवर्ब क्लॉज भी आते हैं, तो ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाते हैं। तो ये सारे कंजंक्शन आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला इट वॉज व्हाट ही, ये गलत है हमारा। दूसरा कह रहा है ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, अच्छा। तीसरा भी देख लेते हैं, ही लाइक्ड माई सजेशन, इसमें कोई कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंस को कंजेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे तो नहीं किया है। यहाँ पे किया तो है, बट यहाँ पे पहले वाले में इट वॉज तो दिया है, बट यहाँ पे जो दूसरा कंजंक्शन, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट आ गया है, तो यहाँ पे दो कंजंक्शन नहीं किया है। थर्ड वाले में तो किया ही नहीं है। फोर्थ क्या कह रहा है, ही लाइक्ड मी एंड सजेस्टेड, ये भी नहीं किया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा, ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, मतलब यहाँ पे भी सब्जेक्ट, एक मिनट, यहाँ पे बी में बी सही है आपका। यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर व्हाट, फिर एक सब्जेक्ट और वर्ब, दो सेंटेंस को यानी कि दो क्लॉज को क्या कर दिया है, कंजेक्ट कर दिया है। क्लॉज क्या होता है,
क्लॉज उसी को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, आई सजेस्टेड एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, ही लाइक एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट और व्हाट आपका कंजंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देख लेते हैं पहले इसको, बींग इल ही डिंट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन चेंज इन टू अ कंपाउंड सेंटेंस। इसको किस में कर देना है, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो देख लेते हैं, पहला कह रहा है ही बींग इल नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर लगाया हुआ है और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में नहीं है। दूसरा कह रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पहला नहीं है। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, इट वॉज फॉर द एग्जामिनेशन दैट ही अपीयर्ड इल। अभी हमने पढ़ा कि दैट तो कंपाउंड में नहीं आता, ये कंजंक्शन आपके किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में आते हैं। ओके तीसरा क्या कह रहा है, ही वॉज इल एंड हमारा कंपाउंड सेंटेंस का कंजंक्शन है, बोथ एंड भी है और एंड भी है। तो ही वॉज इल, वह बीमार था, एंड डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, और वह एग्जामिनेशन के लिए अपीयर नहीं हो पाया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो दिया है बट यहाँ पे डिड को हटा दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉइस यानी कि आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गया है। देख लेते हैं पहला क्या कह रहा है, द क्लाउन वॉज बींग लव्ड एट बाई देम। ये आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, किसमें है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, वॉज बींग लगा हुआ है, बींग लगा हुआ है यानी कि इसका एक्टिव वॉइस किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूस में। क्या आ जाएगा इसका, वॉज, वॉज मतलब वॉज या वर होगा और प्लस वर में आई एन जी फॉर्म होगा। देख लेते हैं तो यहाँ पे किस में एरर है, देख लेते हैं। पहला कह रहा है दे हैड बीन लॉफिंग एट द क्लाउन, यहाँ पे हैड बीन कर दिया है, हैड बीन की कोई बात ही नहीं, यहाँ पे वॉज की बात हो रहा है। वॉज यानी कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि वॉज या वर की वर में आई एन जी फॉर्म होना चाहिए। दूसरा कह रहा है दे वर लॉफिंग एट द क्लाउन, ये सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं, दे लॉफ्ड एट, यहाँ पे लॉफ की कोई बात ही नहीं है, लॉफ्ड की नहीं बात है, दे वर लॉफिंग ऑन द क्लाउन। तो या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा, यहाँ पे आपका वर्ड दिया है प्लस वर्ब की आई एन जी भी दिया है। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या था, एट था, तो एट की बात हुई, ऑन की बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दे वर लॉफिंग एट द क्लाउन। ओके नेक्स्ट, नेम द थिएटर्स इन विच शेक्सपियर शेयर, उस थिएटर का नाम बताओ जिसमें शेक्सपियर ने शेयर्स किए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी, द थिएटर्स कोड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द थिएटर्स कोड अकॉर्डिंग टू दिस बुक। इस बी में ही एरर, बी में ही दिया है आंसर। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है। ओके बुक के अनुसार तो आपका आंसर इसी में दिया है, द थिएटर कोड। ओके एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस थिएटर में शेक्सपियर ने अपने शेयर दिए थे। तो द ब्लैक फ्रायर्स में दिए थे, सॉरी मैंने क्वेश्चंस को सही से पढ़ा नहीं, द ब्लैक फ्रायर्स को दिए थे और द ग्लोब थिएटर को दिए थे। तो ये दोनों ही आपके सही हैं यहाँ पे, तो आपका पहला और तीसरा सही है। देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है, आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है आपका पहला और तीसरा, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे ए और मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे ये आपका दोनों सही हो जाएगा, द ब्लैक फ्रायर्स द ग्लोब। ओके नेक्स्ट, द प्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, जो प्लो मैन है वो अपने थके हुए कदमों से घर की तरफ जा रहा है। तो वियरी वे यहाँ पे क्या कह रहा है, थके हुए कदमों से, तो यहाँ पे रास्ते की बात कर रहा है, मतलब रास्ते की बात तो कर रहा है बट उसके कदम की बात कर रहा है। और ये आपका कौन सा है, इन वे क्या है, नाउन है, उसके पहले वियरी आ गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर एपिथेट। ओके फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ट्रांसफर एपिथेट। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन, यहाँ पे हमको नरेशन चेंज करना है। ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इधर हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क में चेंज कर देते हैं, और इधर वाला सेंटेंस हम क्या कर देते हैं, इसमें हम क्या लगा देते हैं आपका इफ़ या वेदर, और इधर वाला सेंटेंस हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। देख लेते हैं कौन सा ऐसा है। ओके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा, डायरेक्ट हम करेक्ट आंसर पे ही चलते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा,
डी हो जाएगा. ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन. तो कंजंक्शन आपका इफ़ या वेदर दोनों लगा सकते हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, क्योंकि इजी था इसको समझाना, क्योंकि ये इजी था क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स. ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, हमने पढ़ा था ना. इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसकी सेंस के अकॉर्डिंग हम सेड में सेड को चेंज कर देते हैं. इसकी सेंस में मतलब चुप रहो और मेरी बातों को सुनो. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चुप रहो मेरी बातों. यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, रिक्वेस्ट का तो सेंस नहीं निकल रहा, अर्ज का सेंस निकल रहा है. तो हमारा अब क्या करना है, इसको अर्ज में चेंज कर देना और इधर इसकी जगह पे हमको टू लगा देना है. तो देख लेते हैं कौन सा ऐसा है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अर्ज तो दिया है, टू बी की कोई बात नहीं किया है, रिक्वेस्ट की भी बात नहीं किया है, तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा. ही अर्ज देम टू बी क्वाइट. एक मिनट, वन मिनट. हाँ, यहाँ पे टू बी की बात हुई है, बट गलती कहाँ है, यहाँ पे पर्सन को चेंज नहीं किया है, इसलिए गलत हो गया. ओके, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स. पर्सन यहाँ पे चेंज कर दिया, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. डू यू नो द वे होम, आस्क्ड आई. ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या कर देंगे, आई आस्क कर देंगे और इधर की इसकी जगह पे हम इफ़ या वेदर लगा देंगे और इधर वाला सेंटेंस हम क्या कर देंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे. तो देख लेते हैं कौन सा है हमारा, इजी है, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. तो करेक्ट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ़, उसके बाद यू को चेंज कर दिया, ही यू को चेंज कर दिया थर्ड पर्सन में, तो यहाँ पर ही आ जाएगा. और ये आपका किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो पास्ट में चला जाएगा. बाकी ये सही है, आपके पहला ही आपका सही है. ओके, नेक्स्ट. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है. तो एक एपिक है, ओके, एक एपिक है जो आपका कब आया था, 1667 में पब्लिश हुआ था और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए. नेक्स्ट. कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरोपेजिटिका कंसर्न, मतलब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि मिल्टन की जो एरोपेजिटिका कंसर्न है वो क्या करती है. तो किसका कंसर्न करती है, लिबर्टी ऑफ प्रेस की. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी. नेक्स्ट. टू कट अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू कट अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी, मतलब किसी व्यक्ति के शरीर का एक हिस्सा काटने के लिए उसे क्या कहते हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एम्प्यूटेट मीन्स क्या होता है, अंग विच्छेद करना, मतलब काट डालना, टुकड़े टुकड़े कर देना, इसका मतलब यही होता है, एम्प्यूटेट. ओके, और भी देख लेते हैं यहाँ पे, मीनिंग अच्छी है, और भी एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे. यहाँ पे क्या है, म्यूटिलेट. दूसरा क्या कह रहा है, म्यूटिलेट मीन्स क्या होता है, पैरालाइज. क्या होता है, पैरालाइज मतलब अपाहिज बना देना, इसका मतलब होता है अपाहिज बनाना, मतलब पैरालाइज कर देना. ओके, और आपका मिटिगेट मीन्स क्या होता है, मिटिगेट मतलब कम करना, रेड्यूस. मिटिगेट मतलब क्या होता है, कम करना, रेड्यूस या डिट्रैक्ट, इसको भी बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है, डी ई टी आर ए सी टी. ओके, डिट्रैक्ट, रेड्यूस. ओके, और आपका एम्बस्केड, एम्बस्केड मीन्स क्या होता है, छिपकर आक्रमण करना. ओके, एम्बस्केड मीन्स क्या होता है, छिपकर आक्रमण करना. मीनिंग अच्छी है, इसको आप लोग लिख लीजिए ज़रूर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्यूटेट. ओके, नेक्स्ट. द वर्ड इन्वेड, इन्वेड हैज़ द नाउन फॉर्म. इन्वेड क्या है आपका, ये वर्ब है, तो इसका नाउन क्या बनेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेजन. यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेजन. एस आई ओ एन है लास्ट में, तो आपका ये नाउन ही है, जिसके लास्ट में एस आई ओ एन आ जाए, आई ओ एन आ जाए, वो आपका नाउन है. आगे देखते हैं, द यंग वन ऑफ अ कंगारू, कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जोई, जे ओ ई वाई, जोई. कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं, जोई. आगे देखते हैं, नेक्स्ट.
जो इजी क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. ओके, चेंज द वॉइस, ये आपको वॉइस में चेंज करना है. रेन डिस्टर्प्टेड द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. तो डिस्टर्प्टेड आपका किस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है. तो देख लेते हैं किसमें वाज या वर है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है. ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर करते हैं. तो पहला कह रहा है द लास्ट डे प्ले ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका वर डिस्टर्प्टेड बाय रेन, ये आपका गलत कर दिया है. दूसरा कह रहा है इंडिया, ये भी गलत कर दिया है. तीसरा कह रहा है द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वॉज डिस्टर्प्टेड बाय रेन, तो यही आपका सही हो जाएगा. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी. ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चेंज किया है, देख लेते हैं इसको. द लास्ट डे बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वॉच कर दिया है ना, वर्क की थर्ड फॉर्म बाय रेन, इसलिए आपका करेक्ट है, सी इज करेक्ट हियर. द एक्टिव ऑफ द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड, ठीक है, ये ऑलरेडी पैसिव वाइज में इसका एक्टिव पूछ रहा है. तो यहाँ पे वॉज रिटन, वॉज आ गया, इसका मतलब सिंपल पास्ट की बात कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बस वर्क की थर्ड फॉर्म, वर्क की सेकेंड फॉर्म लगनी चाहिए, या वॉज रिमूव हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा. सी रोट द लेटर इन ब्लड, इजी है ये. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रोट द लेटर इन ब्लड, ये पास्ट में चला गया और इसका पैसिव वाइज यही है आपका. नेक्स्ट, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन. यहाँ पे पहले जान लीजिए कि फील्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, विद आता है. जहाँ भी कोई चीज़ भरी हुई रहती है उसके साथ हमारा क्या लगता है, विद प्रीपोजिशन लगता है, फील्ड विद. ओके, तो यहाँ पे क्या करें, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है, वन वर्ड का क्वेश्चन है. वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन, क्या कह रहा है कि वह जो अपने धर्म के बारे में अत्यधिक और गलत उत्साह से भरा हो, उसे क्या कहते हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, फैनाटिक. ठीक है, फैनाटिक मीन्स क्या होता है, कट्टर. क्या होता है, कट्टर, मतलब जो अपने धर्म के बारे में बहुत ज्यादा अत्यधिक और गलत उत्साह से भरा हो, उसे फैनाटिक कहते हैं. ओके, और भी देख लेते हैं मीनिंग यहाँ पे, मीनिंग अच्छी है तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं. फैटलिस्ट मीन्स क्या होता है, फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी. क्या होता है, भाग्यवादी, और आपका भाग्यवादी. लुनेटिक क्या होता है, लुनेटिक, लुनेटिक मतलब होता है पागल, पागल मनुष्य या पागल. ओके, और आपका स्टोइक मतलब होता है क्या, उदासीन, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडिफरेंट. ठीक है, उदासीन होता है, स्टोइक मतलब उदासीन. ओके, उदासीन, और इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में इंडिफरेंट बोल सकते हैं, या नोस्टैल्जिक बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है नोस्टैल्जिक. ओके, तो ये आपका हो गया, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता है, तो जो सुन नहीं सकता है उसे क्या बोलते हैं, बहरा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीफ. डीफ मीन्स क्या होता है, बहरा. ओके, और भी देख लेते हैं. डम मीन्स क्या होता है, गूंगा. विजनलेस मीन्स क्या होता है, दृष्टिहीन. विजन मतलब दृश्य, लेस मतलब दृष्टिहीन. लेम मीन्स क्या होता है, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि जो सुन नहीं सकता उसे डीफ बोलते हैं. ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट, हु फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस सोनेट इन टू इंग्लिश पोएट्री. क्या कह रहा है कि सबसे पहले इंग्लिश पोएट्री में सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया था, अभी कल ही पढ़ा हमने. करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थॉमस वाइट एंड शरे. यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को, कि जब बात आ जाए कि मतलब यहाँ पे बात आ जाए कि फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन ड्रामा, अगर कोई अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन ड्रामा, ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स का फादर किसे कहते हैं, तो क्रिस्टोफर मार्लो को कहते हैं. लेकिन वही पूछ ले कि फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन पोएट्री, पोएट्री में अगर पूछ लिया तो अर्ल ऑफ सरे को कहते हैं, अर्ल ऑफ सरे को. ओके, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए. ओके, तो यहाँ पर क्या था, सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले
जब भी बात आती है तो दो लोग की बात आती है, टॉमस वाट एंड अर्ल ऑफ सरे। इनका दूसरा नाम क्या है? हेनरी हॉवर्ड। तो कहीं अर्ल ऑफ सरे ना आके हेनरी हॉवर्ड आ जाए, तो दोनों नाम ही आप याद करके रखें। सस्टेट इज अ स्टैंजा ऑफ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सस्टेट जो है वो कितने का स्टैंजा, मतलब कितने लाइन का स्टैंजा होता है जिसे हम सस्टेट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बी, 6 लाइन स्टैंजा। अब जान लेते हैं 2 लाइन की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, जो 2 लाइन की होती है उसे कॉपलेट कहते हैं। ओके, 3 लाइन की स्टैंजा को, जो 3 लाइन की स्टैंजा, उसे क्या बोलते हैं? टर्सेट बोलते हैं, टर्सेट। अब वही जब तीनों लाइन जब राइम करती है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। कब ट्रिपलेट बोलते हैं? जब वही तीनों लाइन, पहले तो 3 लाइन को टर्सेट बोलते हैं, बट वही तीनों लाइन जब तीनों लाइन राइम करती है एक दूसरे से, तीनों लाइन लाइन मतलब राइम करती है, तो उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। ओके, उसके बाद 4 लाइन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेन बोलते हैं 4 लाइन को। 5 लाइन को क्या बोलते हैं ये भी जान लीजिए, 5 लाइन को क्या बोलते हैं? 5 लाइन को क्वांटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटेन। यहीं पे लिख दे रहे हैं, सबका आप लोग जान के रखें, क्वांटेन। ठीक है, क्वांटेन बोलते हैं 5 लाइन, 5 लाइन स्टैंजा को क्वांटेन बोलते हैं। 6 लाइन स्टैंजा को सस्टेट बोलते हैं। 7 लाइन स्टैंजा को राइम राइल बोलते हैं। 8 लाइन स्टैंजा को ओटवारीमा बोलते हैं। और 9 लाइन स्टैंजा को स्पेंसरिन स्टैंजा बोलते हैं। ओके, अब स्पेंसरिन स्टैंजा में 9 लाइन होता है, बट 8 लाइन जो होती है वो आपके एम्बिक पेंटामीटर में होती है, और लास्ट की लाइन जो होती है वो एलेक्जेंड्राइन में होती है, मतलब हेक्सामीटर में होती है। तो ये चीज़ आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए, 2 लाइन्स का क्या है, मैंने पूरा 1 लाइन से आपको बता दिया, 2 से लेके आपका 9 तक। ओके, तो ये पता होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि 5 लाइन्स जो 5 लाइन्स की स्टैंजा को क्वांटेन बोलते हैं, इसको पीबी शैली ने अपनी एक पोइम टू आई स्काई लार्क में यूज किया है। ठीक है, उसको 5 लाइन स्टैंजा में लिखा है, यानी कि क्वांटेन में लिखा है। तो ये भी एक फैक्ट हो जाता है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 6 लाइन जो स्टैंजा है सस्टेट, वो 6 लाइन की स्टैंजा को सस्टेट कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉलरिज द राइम ऑफ द एनिशियन मैरिनर इज, कॉलरिज की द राइम ऑफ द एनिशियन मैरिनर, ये क्या है, इसका जॉनर क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बैलड। क्या हो जाएगा? बैलड है ये। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे हमको करेक्ट स्पेलिंग देखना, पैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग हमको देखना है। तो करेक्ट स्पेलिंग हमारा बी हो जाएगा, PASSENGER, पैसेंजर मीन्स क्या होता है? यात्री। नेक्स्ट, यहाँ पे ट्रीचरस की स्पेलिंग हमको देखना है, ट्रीचरस की स्पेलिंग कौन सी है? तो TRED ही करेक्ट हो जाएगा, TRECHEROUS, ट्रीचरस। तो ट्रीचरस मतलब होता क्या है, मतलब क्या होता है? नमक हराम, मतलब बेवफा। ओके, इसकी हिंदी अगर देखेंगे तो नमक हराम या बेवफा, इंग्लिश में इसको फेथलेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फेथलेस। ओके, फेथलेस बोल सकते हैं, या फिर डिसलॉयल बोल सकते हैं, या फिर इनफिडल, बहुत अच्छा वर्ड है इनफिडल, इनफिडल, इनफिडल बोल सकते हैं इसको, INFIDEL, इनफिडल मिस भी होता है डिसलॉयल। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रीचरस, डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट, इट इज़ अ पोएट क्राई फ्रॉम द हार्ट ऑफ जॉय ऑफ सोरो फेवर एग्जॉल्टेशन, इट फॉलोज दैट सिंस पावरफुल फीलिंग आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, दूसरा कह रहा है, एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इज शॉर्ट, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ, ये किसकी डिफिनेशन है? यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है कि इट इज़ द पोएट क्राई, ओके, फ्रॉम द हार्ट ऑफ जॉय, मतलब फ्रॉम द हार्ट ऑफ जॉय से वो पोएट क्या करता है? क्राई करता है, ऑफ सोरो, दुख, फेवर एग्जॉल्टेशन। आगे क्या कह रहा है, इट फॉलोज, ये फॉलो करता है, डेट सिंस पावरफुल फीलिंग आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ये अपनी जो पावरफुल फीलिंग है इसको फॉलो करता है। क्या कह रहा है, एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ये इमोशन का एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, मतलब कह सकते हैं कि जिसमें पोएट एक शॉर्ट लिरिक होती है, शॉर्ट गीत होती है, जिसमें पोएट क्या करता है, अपने
अपने पर्सनल इमोशन और फीलिंग को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब तक तो आप लोग जान गए होंगे ये किसकी बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिरिक की बात कर रहा है ये, ठीक है। लिरिक में क्या होता है कि जो पोएट है, एक छोटी सी गीत है लिरिक, और इसमें क्या करता है पोएट, अपने इमोशन और अपनी फीलिंग को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, आर्टिकुलेट करता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन, हमको यहाँ पे नरेशन चेंज करना है। क्या है, द स्वामी सेट टू द विलेजर प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम पढ़े थे ना कि इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें प्लीज आता है, तो प्लीज को हम क्या कर देते हैं, सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद इसकी जगह पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम क्या रखेंगे, टू रख देंगे, और जो भी पर्सन आपके हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो देख लेते हैं किसमें चेंज है, तो देख लेते हैं। पहला क्या कर रहा है, स्वामी टोल्ड द विलेजर टू ब्रिंग मी आ, यहाँ पे टोल्ड की बात नहीं कर रहा, जब प्लीज आएगा तो सेट टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरा कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दूसरा कह रहा है द स्वामी रिक्वेस्टेड द विलेजर, यहाँ तक तो सही है, टू ब्रिंग, इसने पर्सन को भी चेंज किया है, हिमा गया ग्लास ऑफ वाटर, तो यही आपका सही है। द स्वामी यहाँ पे रिक्वेस्ट को चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में द विलेजर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू लगा दिया है। उसके बाद ब्रिंग मी को चेंज कर दिया है, हिमा गया ग्लास ऑफ वाटर, यही आपका बी इज करेक्ट हियर। ओके, इजी आपके हैं ये, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर जीड हिज मदर एंग्रीली। यहाँ पे भी हमको, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है नरेशन का, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, बी सही है, आगे देखते हैं। डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर जीड हिज मदर एंग्रीली, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट करेक्ट आंसर पे चलते हैं। His angry mother jeered and asked him if he supposed, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, His angry mother jeered and asked him if he supposed he knew better than his own father. Okay, तो यहाँ पे आपका किस में था, do you, simple present पे था तो simple past में जाएगा, गया हुआ है यहाँ पे, no का new बना दिया गया है। okay, तो यही आपका correct sentence हो जाएगा। next आगे बढ़ते हैं, Which of the following forms does Saturn not take? यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा Saturn ने टेक, मतलब कौन सा फॉर्म नहीं लिया था, मतलब वो जब वहाँ पे हेवन में जाने के लिए उसने कौन सा फॉर्म नहीं लिया था, डिस्गाइज जब होके जा रहा था तो कौन सा फॉर्म नहीं लिया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आपका डी हो जाएगा, क्योंकि वो एंजल बन के जाता है, टोड बन के जाता है, कॉर्मोरेंट बन के जाता है। कॉर्मोरेंट मीन्स क्या होता है, एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसकी गर्दन क्या होती है, लंबी होती है, चोंच झुकी हुई होती है। ओके, इस प्रकार की एक चिड़िया होती है, ये बर्ड ही है। तो ये तीनों ही वो बन के जाता है हेवन में, तो यहाँ पे ये तीनों ही वो फॉर्म लेता है। कौन सा नहीं लिया था, तीनों ही लिया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स हो जाएगा। ओके, डी इज करेक्ट हियर, यहाँ पे डी आंसर सही है। नेक्स्ट डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हमको क्या करना है, सेंटेंस को कम्प्लीट करना है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। ओके, देख लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या कह रहा है, यही है, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, मतलब अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद वह अपने एंगर को क्या कर पाया, कंसील नहीं कर पाया, छुपा नहीं पाया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आपका बी हो जाएगा। पीपल केम टू नो दैट ही वॉज एनॉयड, लोग वहाँ पे जानने के लिए आए कि वह गुस्सा क्यों था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कम्प्लीटेड इन द लास्ट वीक एज इट वॉज, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से, वेरी लिटिल वर्क कुड बी कम्प्लीटेड इन द लास्ट वीक, मतलब अंतिम सप्ताह में, मतलब लास्ट वीक में बहुत कम काम पूरा किया जा सका। एज इट वॉज, क्योंकि यह क्या, अ वेरी बिजी वीक की फुल ऑफ हॉलीडेज की, अ वेरी हैक्टिक वीक की लोडेड विद लॉस्ट ऑफ वर्क,
मतलब कह रहा है कि प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से अंतिम जो सप्ताह में बहुत कम काम पूरा किया जा सका, क्योंकि क्योंकि ये फुल ऑफ हॉलीडेज, क्योंकि क्या है ये छुट्टियों से भरा था, इसलिए काम क्या हुआ बहुत कम पूरा किया जा सका। ओके नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट द एम्प्लॉयज, मतलब कंपनी के लाभ को उठाने के लिए, रेज करने के लिए, कंपनी के मुनाफे को या कंपनी को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज को क्या किया गया, कर्मचारियों को क्या किया गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑफर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, मतलब उनको ओवर टाइम वर्क का ऑफर दिया गया बिना किसी मुआवजा के। कॉम्पनसेशन मीन्स क्या होता है, मुआवजा। उनको ओवर टाइम वर्क करने के लिए क्या किया गया, ऑफर किया गया बिना किसी कॉम्पनसेशन के, मतलब बिना किसी मुआवजे के। ओके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द वर्ड्सवर्थ ओड्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इरेगुलर ओड, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ का कौन सा ओड इरेगुलर ओड को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ओके मतलब वर्ड्सवर्थ का जो ओड है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये किस में लिखी गई है, इरेगुलर ओड में। और एक बात और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे इरेगुलर ओड को ही पिंडारिक ओड कहा जाता है, पिंडारिक ओड को ही इरेगुलर ओड कहा जाता है, तो इनकी जो ओड है ये ना पिंडारिक ओड में लिखी गई है, तो उसका सेकेंड नाम इरेगुलर ओड है। ओके नेक्स्ट, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है, सिनोनिम्स क्या है देख लेते हैं। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी फ्रॉम द फॉलोइंग, बायोग्राफी का हमको सही मीनिंग यहाँ पे चूज करना है, बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी क्या होती है, तो देख लेते हैं। ओके इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो बायोग्राफी क्या होता है, पहला कह रहा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवन एल्स, मतलब वो एक आदमी की लाइफ हिस्ट्री जिसको दूसरा कोई लिखता है, इसे ही बायोग्राफी कहते हैं, तो यही सही है, करेक्ट आंसर यही होगा हमारा, जब किसी आदमी की लाइफ हिस्ट्री दूसरा कोई लिखता है तो वो बायोग्राफी हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ओके मतलब जब किसी भी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री कोई खुद ही लिखता हो, मतलब एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री वो खुद ही लिखता हो अपने बारे में, तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स इज कॉल्ड बायोग्राफी। ओके नेक्स्ट, म्यूट सीन अपीयर्स इन, म्यूट सीन, कोर्ट सीन, ये सब किसमें है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्टिस में। ओके जो आपका कभी आया है 1910 में आया है। नेक्स्ट, यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, मीनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीनिंग एग्जाम दे रहे हैं उसमें ग्रामर पोर्शन तो रहता है, तो मीनिंग वहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, मीनिंग एक अलग ही रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में, तो मीनिंग पे आप कमांड ज़रूर रखिए। ओके तो इसको देख लेते हैं, 43 का यहाँ पे क्या कह रहा है, डिसरे, यहाँ पे क्या है, डिसरे, डिसरे मीन्स क्या होता है, उधेड़ बुन, मतलब इसको परेशानी बोल सकते हैं, परेशान मतलब जो बहुत उधेड़ बुन बुन में रहता है या परेशान रहता है उसे बोलते हैं डिसरे, डिसरे मीन्स क्या होता है, परेशान। तो यहाँ पे सिनोनिम बताना था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न मतलब भी होता है क्या, परेशान। ओके या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं आप, डिसरे को, इसका मतलब होता है परेशान या कन्फ्यूज, इसको मिस भी बोल सकते हैं, मिस, एम ई डबल एस, मिस अच्छा वर्ड है, मिस, क्योस, सी एच ए ओ एस, क्योस भी बोल सकते हैं, या डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या क्लटर बोल सकते हैं, सी एल यू डबल टी ई आर, अच्छा वर्ड है, सी एल यू डबल टी ई आर, क्लटर भी बोल सकते हैं। ओके ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, डिसरे का बी हो जाएगा। और आपको पता ही है रिवोल्यूशन क्या होता है, आपको पता ही है, एबिलिटी भी आपको पता ही है, ठीक है। और आपका ये डिस्ट्रक्शन मिस क्या होता है ये जान लो, डिस्ट्रक्शन मिस होता है विनाश या तबाही, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एनिहिलेशन या रूइन या परडिशन,
ठीक है, परडिशन भी बोल सकते हैं इसको, PERDITION, परडिशन। ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, कन्फ्यूजन। नेक्स्ट, फेज। फेज मिस क्या होता है, फेज मतलब होता है परेशान, क्या होता है, परेशान होता है, तो फेज मतलब होता है परेशान, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टर्ब। सिनोनिम ही करना था, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डिस्टर्ब। ओके, डाइवोर्स पता ही आपको, और टेंड मिस क्या होता है, टेंड मिस जान लीजिए, टेंड मिस होता है झुकना, तो इसको बेंड भी बोल सकते हैं, बेंड, BEND, बेंड, टेंड या बेंड मतलब झुकना। और आपका पेट्रोनाइज, पेट्रोनाइज मिस होता है सहायता देना, सहायता करना या संरक्षण देना, जिसको आपको इसको बोल सकते हैं हेल्प, इजी वर्ड है हेल्प, या एड बोल सकते हैं, ये भी आपका सहायता करने का होता है, या फेवर बोल सकते हैं, ओके, या स्पाउज बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है स्पाउज, ESPOUSE, स्पाउज बोल सकते हैं, या रीड आउट बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। 44 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ बेल्ट एंड ब्रेसेस। बेल्ट एंड ब्रेसेस का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, प्रोवाइड डबल सिक्योरिटी, मतलब बेल्ट एंड ब्रेसेस, इसका मतलब होता है कि डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, थोड़ा छोटा करते हैं, शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं, टू लव्स आई हैव ऑफ कम्फर्ट एंड डिस्पेयर, हिज सोनेट आर आल्सो एड्रेस टू टू पीपल, उनकी जो सोनेट्स हैं वो दो लोगों को एड्रेस की गई है, हु आर दे, वो कौन थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा, द डार्क लेडी एंड आर लव सदनहम्पटन, साउथहैम्पटन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उनका सोनेट है वो दो पर्सन को क्या किया गया था, एड्रेस किया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहा है ये। ओके, द ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर्स वर्क इज एप्ट टू ब्लाइंड क्रिटिक्स टू हिज लिमिटेशंस एंड डिफेक्ट्स, बट दीज मस्ट ऑफ कोर्स बी रिकॉग्नाइज्ड इन एनी एस्टिमेट ऑफ हिम, हु सेड दिस, ये किसने कहा था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, WH HUDSON, इन्होंने ये बात कही थी। ओके, नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट इज डिवाइडेड इंटू, शेक्सपियर की सोनेट डिवाइड की गई है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 quatrain एंड अ कॉपलेट, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, तो 3 quatrain एंड एक कॉपलेट में, क्वाट्रन आपको पता ही है, 4 line की पोयम को, मतलब 4 line की स्टेंजा को क्वाट्रन कहते हैं, तो चार चार लाइन की 3 quatrain थे और 2 line का एक कॉपलेट था। नेक्स्ट, मोहन कुड डू वेल इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ही वॉज रेगुलर विद हिज स्टडीज, मोहन कुड, मतलब मोहन क्या है, मोहन अच्छा कर सकता था अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, क्योंकि वह क्या था, रेगुलर स्टडीज करता था, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, डायरेक्शन दिया है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्या कह रहा है, हु सेड अबाउट मिल्टन, किसने मिल्टन के बारे में कहा था, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एनिशियंट टू, इस आदमी ने हम सबको क्या कर दिया है, कट कर दिया है, मतलब और पुराने राइटरों को भी कर दिया है, तो ये मिल्टन के बारे में किसने कहा था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जॉन ड्राइडन साहब ने कहा था। नेक्स्ट, दे आर नॉट बी वेयर ऑफ ऑल फैक्ट, यहाँ पे जो अंडरलाइन है ना इतना ही, सॉरी ऑफ भी आ रहा है, इसको क्या करना है आपको, मतलब क्या करना है, सही करना है, तो क्या आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर नॉट टू बी अवेयर हो जाएगा यहाँ पे, दे आर नॉट टू बी अवेयर ऑल द फैक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स। नेक्स्ट, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन,
यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्पीच दी जाती है बिना किसी प्रिपरेशन के, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, एक्सटेम्पोर मीन्स क्या होता है? बिना तैयारी के, बिना तैयारी के हम स्पीच देना जिसकी प्रीवियस प्रिपरेशन ना हो, ऐसी स्पीच देना, तो उसे एक्सटेम्पोर बोलते हैं। एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी के। सलीलो की आपको पता ही है आत्मभाषण, रिटोरिक पता ही है, एक्सप्रेशन आप लोगों को पता ही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इसमें कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन साहब का है, ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पाइडमोंट ये भी है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये भी है। तो कौन सा नहीं पूछा था? तो ये तीनों आपके हैं, डी नहीं है। द पैसिनेट पिलग्रिम ये विलियम शेक्सपियर का है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट हेयर। ओके नेक्स्ट, द टेम्पेस्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो टेम्पेस्ट है वो लिखी गई उसकी फॉर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मास्क है। ओके करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? मास्क है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज नॉट रिटन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ शैटन। निम्नलिखित में से कौन से ऑथर ने शैटन के कैरेक्टर के बारे में नहीं लिखा है? तो किसने नहीं लिखा, यहाँ पे नॉट पूछ रहा कि किसने नहीं लिखा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, एडमंड स्पेंसर ने नहीं लिखा है। ओके शैटन के कैरेक्टर के बारे में। नेक्स्ट, इट इज लिरिक, यहाँ पे क्या करा है? इट इज लिरिक पोयम टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये एक लिरिक पोयम है जो क्या कर रहा है? एक एड्रेस कर रहा है। रिटन इन वेड वेरिड और इरेगुलर मीटर, ये किस में लिखा गया है? इरेगुलर मीटर या वेरिड में लिखा गया है। इट इज़ जनरली डिग्निफाइड, ये आमतौर पर डिग्निफाइड किया जाता, डिग्निफाइड रहती है, और एग्जॉल्टेड इन सब्जेक्ट फीलिंग एंड स्टाइल, मतलब सब्जेक्ट और फीलिंग और स्टाइल में एग्जॉल्ट होता है। दिस डिफाइंस, ये क्या, इसका सब्जेक्ट क्या होता है? सीरियस भी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एड्रेस की बात कर रहा है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ओड हो जाएगा। ओड ही है जो एड्रेस करता है, इसका सब्जेक्ट कैसा होता है? सीरियस होता है। ओके और इसको जनरली क्या किया जाता है? डिग्निफाइड किया जाता है। तो ये सारे की वर्ड हैं आपके ओड के, अगर आपको ऐसे नहीं याद होते ना तो आप इसका की वर्ड जरूर याद कर लीजिए ओड का। किसी भी लिटरेरी टर्म्स का आप उसके की वर्ड से चलेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अगर आप उसका की वर्ड समझ जाइए, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है वो समझ जाइए, और उसके कीवर्ड, ऐसा नहीं कि पूरा रट्टा ही मार लीजिए उसका, ऐसा नहीं है, उसके कीवर्ड को पकड़े, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कीवर्ड से ही आता है। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं कि एक लाइन दे दिया उसमें पूछ लिया ये ओड है क्या, नहीं, उसमें आपका फोर ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि कौन से इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। ओके तो इस टाइप के आते हैं, तो उसमें कीवर्ड ही आपको वहाँ पर हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, थॉमस ग्रे द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, थॉमस ग्रे की द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी ये क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी, एक ओड है। क्या है? एक ओड है थॉमस ग्रे की। नेक्स्ट, हु कॉमेंटेड दैट मिल्टन सैटन एज अ मॉरल बींग इज सुपीरियर टू मिल्टन्स गॉड। मतलब किसने कॉमेंट किया है कि जो मिल्टन के, मतलब किसने कॉमेंट किया है कि मिल्टन का जो शैटन है, मिल्टन का जो शैटन है वो एक मॉरल बींग के रूप में क्या है? सुपीरियर है, बजाय किसके? मिल्टन के गॉड से। तो ऐसा कॉमेंट किसने किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी बी शैली। ओके यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी बी शैली। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिल्टन का जो शैटन है उसको ज़्यादा सुपीरियर बना दिया, एक मॉरल बीइंग के रूप में वो सुपीरियर है मिल्टन के गॉड से। तो ऐसा आपके पी बी शैली ने कहा है। नेक्स्ट, बट थॉट्स एंड स्लेव ऑफ लाइफ एंड टाइम्स फूल एंड टाइम दैट मेक्स सर्वे ऑफ ऑल द वर्ल्ड मस्ट हैव अ स्टॉप, हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड वेयर। ये कौन कहता है, निम्नलिखित लाइन है ये कौन कहता है और कहाँ कहता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इयागो इन ओथेलो। कहाँ हो जाएगा? सॉरी, ये कौन कहता है? इयागो है, ओथेलो में बोलता है इयागो। ओके नेक्स्ट, वॉट इज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे क्लेप्टोमेनिया की करेक्ट स्पेलिंग हमको सर्च करनी है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? क्लेप्टोमेनिया। मैनिया मीन्स क्या होता है? पागलपन। क्लेप्टो मतलब चोरी, जिसको चोरी करने का पागलपन हो।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, KLEPTOMANIA, क्लेप्टोमैनिया, मतलब चोरी करने का जिसकी आदत हो, मतलब उसके उद्देश्य नहीं है चोरी करने का, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जिसको आदत ही रहती है कहीं भी गया कुछ भी उठा लिया, चोरी करने की आदत होती है, ऐसा नहीं है कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी आदत लगी रहती है, तो उसी को बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया। मैनिया मतलब होता है, ये रूट वर्ड है, मैनिया मतलब होता है ये पागलपन, किसी चीज़ का पागलपन। ओके, नेक्स्ट वन मोर अनफॉर्चुनेट वियरी ऑफ ब्रेथ दीज लाइन आर रिटन इन, ये जो लाइनें हैं ये किस में लिखी गई हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्टाइल मीटर में लिखी गई हैं। ओके, ये जो लाइनें आपकी डिक्टाइल मीटर में लिखी गई हैं। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चंस इजी हैं इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। ओके, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्प्रिट डॉथ रेज टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डेज, तो ये आपकी जो लाइनें हैं कहाँ से ली गई हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिसिडास से लाइनें ली गई हैं। ये लाइनें कहाँ पे हैं, लिसिडास, कब आया था ये, 1637 में आया था, किसका वर्क है आपका, पेस्टोरल एलेजी है, किसकी है, जॉन मिल्टन साहब की है। ओके, नेक्स्ट, इन इट द पोएट द गाइज, सॉरी, इन इट द पोएट इन द गाइज ऑफ अ शेफर्ड्स एंड इन द पेस्टोरल सेटिंग मॉन्स फॉर अ कंपेनियन दिस डिफाइंस, ये क्या करता है, मतलब पोएट में शेफर्ड का काम होता है और पेस्टोरल सेटिंग होती है, मॉन्स होता है, शोक मनाया जाता है, फॉर अ कंपेनियन अपने साथी के लिए, तो ये किस में है, ये क्या डिफाइन करता है, तो ये एक पेस्टोरल एलर्जी डिफाइन करता है। पेस्टोरल एलर्जी में क्या होता है कि जो पोएट होता है वो खुद एक शेफर्ड्स होता है और जिसकी डेथ पे वो मॉर्न करता है वो भी एक शेफर्ड्स होता है और उसकी सेटिंग कहाँ होती है, एक शेफर्ड्स में ही होती है, पेस्टोरल सेटिंग होती है उसकी, मतलब गांव देहाती एरिया का दिखाया जाता है, वही पेस्टोरल एलर्जी हो गया। शेफर्ड्स मतलब क्या होता है, वही जो मवेशियों को चराया चराने वाले को ही शेफर्ड्स कहते हैं, जिसको हिंदी में अगर बोले तो गडेरिया बोलते हैं। ओके, तो यहाँ सब गांव के चीज़ों को ही दिखाया जाता है, उसे पेस्टोरल एलजी बोलते हैं, उसकी सेटिंग भी वही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ड्स वर्थ इमोर्टैलिटी ओड एंड द टिंटनेबे आर टू ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ, वर्ड्स वर्थ की जो इमोर्टैलिटी ओड है और आपकी टिंटनेबे, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए, रिफ्लेक्टिव पोइट्री के। ओके, नेक्स्ट, हु सेड दैट मिल्टन्स एपिक वर्ड्स लैक अर्नेस्ट फीलिंग वॉज स्टिफ एंड टॉर्टुअस, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन कह रहा है कि मिल्टन का एपिक वर्ड्स लैक अर्नेस्ट फीलिंग वॉज एक स्टिफ एंड टॉर्टुअस, ये किसका कथन है, किसने कहा था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी, T.S. Eliot। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज, वर्ड्सवर्थ की इमेजिनेशन क्या है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग पावर एंड क्रिएटिव फैकल्टी, तो बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हु कंसिडर दैट राइम इज नो नेसेसरी एडजेंस्ट अ ट्रू ऑर्नामेंट ऑफ अ पोएम आर गुड वर्ड्स, किसने ये कंसिडर किया, किसने माना कि राइम इज नो नेसेसरी एडजेंस अ ट्रू ऑर्नामेंट ऑफ अ पोएम आर गुड वर्ड्स, ये किसका मानना था, किसका कंसिडर था, किसने कंसिडर किया था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, मिल्टन का, जॉन मिल्टन का। नेक्स्ट, पढ़ लेते हैं इसको, ऑफ द फोर ऑप्शन वन इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन पोइट्री, आइडेंटिफाई वन विच नॉट हिज व्यू, यहाँ पे क्या कह रहा है कि चार ऑप्शन है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री पर व्यूज दिया है, जो विचार दिए हैं, आइडेंटिफाई वन विच इज नॉट हिज व्यू, उस चारों ऑप्शन में एक को आइडेंटिफाई करना जो उनके विचार नहीं है पोइट्री पर, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। पहला कह रहा है पोइट्री शुड बी रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज, पोइट्री को लिखी जानी चाहिए नेचुरल लैंग्वेज में, सही है। दूसरा कह रहा है आपका पोइट्री शुड बी मोरलिटी एंड वर्चू एज इट्स मेन थीम,
पोएट्री पोएट्री का यूज करना चाहिए मोरलिटी और वर्चू में, वर्चू के रूप में इट्स मेन थीम, ये है ये कह रहा है। और भी देख लेते हैं, सी कह रहा है पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये भी सही है, ये सही है आपका। और डी कह रहा है पोएट्री शुड ऑफर एक्सेस टू द इमोशन कंटेंट इन मेमोरी, तो ये आपके ए सही है आपका और सी सही है, डी सही है आपका, कौन सा नहीं सही है तो आपका बी गलत है। पोएट्री शुड यूज़ मोरालिटी एंड वर्चू एज इट्स मेन थीम, यही आपका नॉट पूछा था ना, यही उनके विचार पोएट्री पे नहीं है। ओके नेक्स्ट, हु सेड आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर एंड अबाउट हिम, किसने कहा था कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ बट मैं शेक्सपियर से प्रेम करता हूँ, ये किसने किससे कहा है, किसके बारे में? तो ये ड्राइडन ने कहा था, जॉन ड्राइडन ने बेन जॉनसन से कहा था, यहाँ पे वो उन्हीं को बोल रहे हैं, बेन जॉनसन साहब को बोल रहे हैं कि आई एडमायर हिम, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तो ये क्या हो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइडन अबाउट जॉनसन, ये ड्राइडन जॉनसन के बारे में बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, द लॉ इज वॉट इट इज अ मेजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन एनअर, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं ये लाइनें आपकी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी जस्टिस में ये लाइनें आती हैं। ओके नेक्स्ट, वॉर इज वॉर हु इज द स्पीकर, किसने कहा था वॉर इज वॉर, तो ये आपके स्ट्राइव में एंथनी ने कहा था, एंथनी इन स्ट्राइव, वॉर इज वॉर। ओके नेक्स्ट, फेयरवेल ओथेलोज ऑक्यूपेशंस गॉन, वॉट डज दिस क्राई सिग्निफाई, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 72 का सी हो जाएगा, द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लोज द थिएटर एज 100 प्यूरिटन्स केम टू पावर। ओके नेक्स्ट, शेक्सपियर ऑलवेज डैश द थ्री यूनिटीज, शेक्सपियर ने हमेशा थ्री यूनिटीज को क्या किया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस बुक, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑफेंडेड। ओके नेक्स्ट, द स्लीप वॉकिंग सीन इज फेमस इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, स्लीप वॉकिंग जो सीन है वो शेक्सपियर के किस प्ले में आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैकबेथ में ही है, जो लेडी मैकबेथ चलती हैं नींद में। ओके स्लीप वॉकिंग सीन उसी में मतलब मैकबेथ में क्या होता है, बैंकवेट सीन होती है, स्लीप वॉकिंग सीन होती है, काफ़ी सीन उसमें है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकबेथ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फॉस्टर्ड बाई टू इन्फ्लुएंसेस, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उनकी जो शुरुआती जीवन है वह फॉस्टर्ड थे, टू इन्फ्लुएंस मतलब दो प्रभावों से वो क्या थे, फॉस्टर्ड थे मतलब पोषित थे, तो किसने कहा था ये बात, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके नेक्स्ट, What seems just to one man, sir, is injustice to another. Who is the speaker? इसका स्पीकर कौन है, कौन बोलता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, एडगर बोलता है स्ट्राइफ में। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज द नेम गिवन टू दैट आर्टिफाइस ऑफ लैंग्वेज विच द साउंड ऑफ द वर्ड्स इज मेड टू सजेस्ट आर इको द सेंस, दिस इज आ डिफिनेशन ऑफ, ये किसका डिफिनेशन है, मतलब ये क्या कह रहा है, दिस इज द नेम गिवन, यहाँ पे एक नाम दिया गया है जो आर्टिफाइस ऑफ लैंग्वेज है, विच इज द साउंड ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे साउंड की बात कर रहा है, जो वर्ड्स का क्या है, साउंड है, इज मेड टू सजेस्ट इको और सेंस, तो कहीं भी अगर साउंड की बात आती है फिगर ऑफ स्पीच में, तो हम किस पे जाते हैं, ओनोमेटोपिया पे जाते हैं। ओके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, Who believed that a poetry of revolt against moral ideas is a poetry of revolt against life? किसका मानना था कि जो poetry of revolt है वो against है moral ideas से, फिर कह रहा है कि a poetry of revolt against life, ये किसका मानना था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके नेक्स्ट,
रोमियो एंड जूलियट इज अ, रोमियो एंड जूलियट क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस बुक करेक्ट आंसर इज शी, ट्रेजिक कॉमेडी. ओके नेक्स्ट, विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा प्ले एनालिसिस करता है द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी को एक प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी पर. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, द सो. कौन है? द सो. यहाँ पे क्या हो जाएगा? द सो. नेक्स्ट, द आइलैंड फेरिसीज होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग. जो आइलैंड फेरिसीज है वो क्या करता है, एक वेल्दी क्लास के पिक्चर को होल्ड करता है. रूलिंग शासन किस पे करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए ही हो जाएगा, ओवर द पुअर क्लास, मतलब जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उसके ऊपर क्या करता है, शासन करता है, एंड फैटनिंग ऑन देम. ओके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. नेक्स्ट, पैरोलेल्स, ये जो कैरेक्टर है पैरोलेल्स, ये किस में अपीयर होता है? ऑल्स विल दैट एंड्स वेल में, मेजर फॉर मेजर में, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, या मर्चेंट ऑफ वेनिस. तो ये आपके ऑल्स विल दैट एंड्स वेल में पैरोलेल्स होता है. ये होता क्या है, ये फॉलोवर ऑफ बर्ट्रम, जो उसमें बर्ट्रम होता है ना उसका फॉलोवर होता है ये पैरोलेल्स. ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, जो क्लास का प्रभाव होता है वो किस में डिपिक्ट है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इस्केप. किस में है? इस्केप में है. ओके इस्केप कब आया था? ये कॉल्स वर्दी का प्ले है, 1926 में आया था, और ये एक ब्रिटिश प्ले है. ओके जो किसने एपिसोड में था, 9 एपिसोड में था. ओके 9 एपिसोड में था. आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है. इन रिचार्ड सेकेंड हु इज़ एडमंड ऑफ लैंगले, रिचार्ड सेकेंड में एडमंड ऑफ लैंगले कौन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ड्यूक ऑफ यॉर्क. नेक्स्ट, शेक्सपियर्स ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्लेज वर बेस्ड ऑन, शेक्सपियर का जो ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो सारे बेस्ड किस पे हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स. उनके जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं ना शेक्सपियर के, तो वो हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स पे बेस्ड हैं. ओके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा. नेक्स्ट, मैथ्यूज बाइबिल वॉज इशूड इन 1537 अंडर द स्यूडोनिम ऑफ जॉन मैथ्यू, व्हाट वॉज हिज रियल नेम, उनका रियल नेम क्या? मतलब जो मैथ्यू बाइबिल थे वो इशू किए थे 1537 में अंडर द स्यूडोनिम ऑफ जॉन मैथ्यू, तो उनका रियल नेम क्या था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी, जॉन रॉजर्स. ओके उनका रियल नेम क्या था, जॉन रॉजर्स. नेक्स्ट, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस दिस डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ, ये किसका डिस्क्रिप्शन है? वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स, किस बर्ड्स के बारे में, किस चिड़िया के बारे में वर्ड्सवर्थ का ये डिस्क्रिप्शन है, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, कुकू के बारे में है. नेक्स्ट, अरे सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुकू. नेक्स्ट, द ग्रेट बाइबिल इज ऑल्सो कॉल्ड, ग्रेट बाइबिल को और क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, क्रैमर्स बाइबिल. ओके क्रैमर्स बाइबिल. नेक्स्ट, वी लिव इन अ हाईली सिविलाइज्ड एज एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वॉयलेंस डिस्टर्ब्स अस इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी, जस्टिस में लाइनें आती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हु इज़ द अंकल टू द किंग इन रिचार्ड सेकेंड, रिचार्ड सेकेंड में राजा जो किंग है, किंग का अंकल कौन होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडमंड. क्या होता है? एडमंड. नेक्स्ट, यहाँ पे एंटोनिम हमको करना है, चूज द एंटोनिम सेलिबेसी. सेलिबेसी का हमको एंटोनिम, सेलिबेसी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, सेलिबेसी मीन्स क्या होता है, कुंवारा या अविवाहित जीवन, ब्रह्मचर्य इसको बोलते हैं, जो शादी नहीं करता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मैट्रिमनी.
मैट्रिमनी मीन्स क्या होता है, मैरिज, शादी. ओके, मैरिजेबल, मैरिज, मैट्रिमोनियल, ये सब उसी से रिलेटेड है. यहाँ पे मैरिजेबल की स्पेलिंग गलत है, एम ए आर आई ए जी ई आना चाहिए यहाँ पे, ए जी ई ए बी एल ई. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या क्या था हमारा, सी होता. नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटीसी, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्सटीसी. एक्सटीसी मीन्स क्या होता है, उत्साह. क्या होता है, उत्साह, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा खुश, परमानेंट जिसको बोलते हैं उत्साह. तो इसको इंग्लिश में आप ब्लिश भी बोल सकते हो, मतलब ब्लिश. ओके, ब्लिश बोल सकते हो, या फिर जुबिलेंस बोल सकते हो. अच्छा वर्ड है, जे यू बी आई एल ए एन सी, जुबिलेंस, या जील, जेड ई ए एल, जील. जील मतलब भी होता है उत्साह, है ना. तो एक्सटीसी मतलब होता है उत्साह, इसको जील बोल सकते हो, ब्लिस या जुबिलेंस बोल सकते हो. ओके, तो यहाँ पे हमको इसका एंटोनिम जानना था, तो इसका मतलब एंटोनिम क्या हो जाएगा, उल्टा, एग्नी. एग्नी मीन्स क्या होता है, पीड़ा. क्या होता है, पीड़ा. तो इसको आप क्या बोलते हैं, एंग्विश. बहुत अच्छा वर्ड है, एंग्विश, ए एन जी यू आई एस एच, एंग्विश. ओके, या फिर इसको पेन, पेन आप लोग को पता ही है, ग्रीफ भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटीसी का एग्नी. हैप्पीनेस पता ही है आपको, हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है. ओके, और एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है सुशील, मतलब बहुत सौम्य तरीके का, जेंटल बोल सकते हैं इसको. क्या बोल सकते हैं, जेंटल, जेंटल या माइल्ड, एम आई एल डी, अच्छा वर्ड है. या फिर प्लेसिड, मतलब बहुत जो शांत रहे, शांत स्वभाव का होता है, प्लेसिड, पी एल ए सी आई डी, प्लेसिड. ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन, वीडियो लेंदी है ना, तो इससे अच्छा कि हम जल्दी ली करें, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है. हाँ, जिसको वीडियो बहुत लेंदी लगती है ना, तो वो आप लोग उसको स्पीड पे भी देख सकते हैं, स्पीड करके. ओके, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो कि वीडियो क्यों लेंदी हो जाती है. हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन होता है, आज तो हमने बहुत कम एक्सप्लेन किया है. एग्जोनरेट, एग्जोनरेट मीन्स क्या होता है, रिहा कर देना. क्या होता है, रिहा कर देना. और तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अक्यूज़. अक्यूज़ मीन्स क्या होता है, बंदी बना लेना या अपराधी घोषित कर देना. ओके, एब्डिकेट मीन्स क्या होता है, त्यागना, गिवअप, छोड़ देना, या एब्डिकेट, इसको गिवअप भी बोल सकते हैं, एब्डिकेट का त्यागना. इसको बहुत अच्छा वर्ड है, फोगो, एफ ओ आर जी ओ, फोगो. फोगो मतलब भी होता है त्यागना, या रेलिंक्विश, इसका भी बोल सकते हैं आप, रेलिंक्विश, आर ई एल आई एल आई एन क्यू यू आई एस, रेलिंक्विश. ओके, अक्लेम, अक्लेम मीन्स क्या होता है, प्रशंसा. क्या होता है, प्रशंसा, इसको लिख लीजिए यहीं पे, क्या होता है, प्रशंसा. ओके, इसको हेल बोल सकते हैं, मतलब प्रशंसा करना, जैसे हम बोलते हैं ना वाह वाह करना, इस टाइप की प्रशंसा, जय जयकार करना, इस टाइप की प्रशंसा. ओके, तो इसको हेल भी बोल सकते हैं, एच ए आई एल, स्वागत करना, हेल. ओके, तो ये हो गया. एग्जोनरेट मतलब रिहा कर देना, तो इसका उल्टा हो जाएगा अक्यूज़. अक्यूज़ मतलब बंदी बना लेना, रिहा मतलब अपराधी घोषित कर देना. अच्छा, अफेक्ट, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम. अफेक्ट, जब आपका ए से आए ना, ए डबल एफ ई सी टी, अफेक्ट, तो ये आपका वर्ब है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, प्रभावित करना, इसका मतलब हो जाता है प्रभावित करना, ठीक है. ये एक वर्ब है, जब आपका ए से आता है अफेक्ट, तो ये आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना. बट आपका अगर ये ई से आ रहा है, इफेक्ट, इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट, तो ये आपका क्या है, नाउन है. तो ये एरर पार्ट में आ सकता है, क्या पता अफेक्ट की जगह पे इफेक्ट दे दे, तो इसको आपको जानना चाहिए. तो ये एक नाउन हो जाता है, ये नाउन है और इसका मतलब होता है प्रभाव, ठीक है. ए से आएगा तो वो वर्ब है, प्रभावित होना. ई से अगर आएगा तो ये एक नाउन है. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस. पंक्चुएट करना है किसका, सो फॉर फ्रॉम साइंस बीइंग इरिलीजियस एज मेनी थिंग इट इज़ द नेग्लेक्ट ऑफ साइंस दैट इज इरिलीजियस. तो इसका क्या करना है, पंक्चुएट करना. तो हम करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं.
सीधे हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वन मिनट, 94 का डी। सो फॉर फ्रॉम साइंस बींग इरिलीजियस, यहाँ पे कॉमा आ गया है, एज मेनी थिंग कॉमा इट इज़ द नेग्लेक्ट ऑफ साइंस दैट इट इज इरिलीजियस, यहाँ पे कॉलन का मार्क आ गया है, इट इज़ द रिफ्यूजल टू स्टडी द सराउंडिंग क्रिएशन दैट इज इरिलीजियस। ओके नेक्स्ट, आई हैव नो प्रीडिलेक्शन डैश क्रिकेट, इनफैक्ट आई प्ले टेनिस मोर देन क्रिकेट। तो प्रीडिलेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरे पास क्रिकेट के लिए कोई भी प्रीडिलेक्शन नहीं है। प्रीडिलेक्शन मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी। तो यहाँ पे फॉर लग जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर, आई हैव नो प्रीडिलेक्शन फॉर क्रिकेट। ओके तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट, वी मस्ट फाइंड अ प्रटेक्स्ट रिफ्यूजिंग द इन्विटेशन। पर टेक्स्ट मीन्स क्या होता है, बहाना बनाना, यानी कि एक्सक्यूज देना। क्या कह रहा है कि हमें जो इन्विटेशन है ना, इन्विटेशन को मना करने के लिए एक बहाना ढूंढना चाहिए, मना करने के लिए एक बहाना ढूंढना चाहिए। तो पर टेक्स्ट फॉर हो जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। पर टेक्स्ट अच्छा वर्ड है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर। नेक्स्ट, हंगर इज द बेस्ट रिलीज डैश फूड, जो भूख है ना, भूख भोजन के लिए सबसे अच्छा स्वाद है। रिलीज मीन्स क्या होता है, स्वाद, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी लिख लीजिएगा। रिलीज मीन्स क्या होता है, टेस्ट, स्वाद। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भूख है वो भोजन के लिए सबसे अच्छा स्वाद है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, फॉर लग जाएगा, रिलीज फॉर। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, ही फेल्ट रिमोर्स हिज मिस डीड, मतलब वह क्या कर रहा है, वो अपने जो बुरे कामों के लिए क्या कर रहा है, पछता रहा। रिमोर्स मीन्स क्या होता है, पछताना, उसके उसको अपने किए पर पछतावा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, रिमोर्स फॉर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, आगे है ईडियम की मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ ईडियम टू कीप वंस शर्ट ऑन, मतलब टू कीप वंस शर्ट ऑन मतलब क्या होता है, अपने गुस्से पे काबू करना, अपने आप को गुस्से से बचाना। ओके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल वंस टेम्पर, वही चीज हुआ कि अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन अ शू स्ट्रिंग, यहाँ पे कह रहा है कि ऑन अ शू स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, तो ऑन अ शू स्ट्रिंग मतलब बहुत कम पैसे में, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कम पैसे में। ओके बहुत कम पैसे में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑन अ स्मॉल बजट। नेक्स्ट, व्हाई डिड यू नॉट थ्रो द बैग अवे, इसको हमको क्या करना है, जो अंडरलाइन है इसको सही करना है। तो जब भी आपका डिड नॉट आ गया, डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, आपका नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगा, वही हमारा सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, डिड यू नॉट थ्रो हो जाएगा, थ्रो नहीं होगा, थ्रो हो जाएगा, थ्री का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, थ्रो। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द ईडियम कुक द बुक्स मीन, कुक द बुक्स मतलब क्या होता है, वही खातों में गड़बड़ी कर देना, इसका मतलब होता है, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड कोई चीज़ है उसमें गड़बड़ी करना या बदलना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अल्टर रिकॉर्ड्स। अल्टर मीन्स क्या होता है, बदलना, रिकॉर्ड्स मतलब वही खाता, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको बदलना, इधर उधर करना, गड़बड़ी कर देना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कि ईडियम क्या है, एक ईडियम क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम आंसर की तरफ चलते हैं, एक ईडियम क्या है, सी, अ कॉमनली यूज फ्रेज आर एक्सप्रेशन, मतलब एक कॉमनली यूज किया गया फ्रेज होता है, एक एक्सप्रेशन होता है विद अ मीनिंग डिफरेंट, जिसकी मीनिंग डिफरेंट होती है फ्रॉम अ लिटरल ट्रांसलेशन। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज एसे, इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अपने किस एसे में इस टर्म को यूज किया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैमलेट में। ओके नेक्स्ट, ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम आर अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी, मैथ्यू अर्नोल्ड का। नेक्स्ट, मॉडर्न इंग्लिश इमर्ज्ड फ्रॉम, जो मॉडर्न इंग्लिश है वो इमर्ज्ड है फ्रॉम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ओके
नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग इज वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ अ गुड. जो रिस्क टेकिंग है वो ट्रेट्स में से एक है, ये ऑफ अ गुड क्या है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही है, लैंग्वेज लर्नर. ओके नेक्स्ट, रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सीज इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी लेड टू द प्रमोशन ऑफ. जो रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सीज है इंग्लैंड में ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी लेड टू द प्रमोशन ऑफ. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश प्रोज एम्पायर. ओके नेक्स्ट, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम, जल्दी जल्दी चल रहे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, बहुत बच्चों को शिकायत भी रहती है. ओके, इन पैरेलल लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स एडम वॉज ओवरकम विद. मतलब पैराडाइज लॉस्ट में बुक 9 मिल्टन लिखते हैं एडम वॉज ओवरकम विद एंड सो ईट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट. और मतलब मिल्टन क्या है, ओवरकम हो जाते हैं एंड सो मिल्टन नहीं सॉरी एडम क्या होते हैं उसमें, मिल्टन लिखते हैं कि एडम क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है, मतलब एडम को जीत लिया जाता है विद एंड सो ईट, और इसलिए वह खा लेते हैं फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बिटर नॉलेज. तो क्या था करेक्ट आंसर, फीमेल चार्म की वजह से ऐसा हुआ था ना. यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सरेलिस्ट पोएट. यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन से सरेलिस्ट पोएट नहीं है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस बुक डी, सी डे लेविस. ओके नेक्स्ट, That glory never shall his wrath or might exhort from me. Paradise Lost Book 1. What glory is being referred to by Shaitan? Glory का मतलब यहाँ पे शैतन के द्वारा क्या किया गया है, मतलब क्या कह रहा है, That glory never shall his wrath or might exhort from me. तो शैतन ने glory का मतलब क्या रेफर किया है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द करेज नेवर टू सबमिट और इल. जो साहस है ना वो कभी ना खत्म होने वाला है, ना कभी हारने वाला है. शैटन ने इसको रेफर किया, ग्लोरी का मतलब ये होता है. ओके तो आगे बढ़ते हैं. द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर. जो स्मॉल चाइल्ड है वॉट एवर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस बुक आपका यहाँ पे आंसर दिया है सी. ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डज. द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर, डज वॉट एवर जिसमें आ जाए वो आपका प्रेजेंट में जाता है. तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्ले हाउस इन लेट 16th सेंचुरी लंडन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स. मतलब उस प्ले हाउस का जो ग्रुप है ना उसको आइडेंटिफाई करना है लेट 16th सेंचुरी में लंडन में. तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, कर्टेन. पहले कर्टेन आया था, फिर रोज थिएटर, फिर स्वान, फिर ग्लोब थिएटर, फिर होप. ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका एरर पार्ट आ गया ग्रामर का. डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इफ एनी. यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सारे ग्रामर के पोर्शन आ गए हैं यहाँ पे. तो देख लेते हैं इसको क्या गलती है. ओके यहाँ पे कह रहा है, इफ एनी RBI इज इन फेवर ऑफ अमेंडिंग करेंटली पॉलिसीज गवर्निंग ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया. तो किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे बी पार्ट में एरर है आपके. किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में. तो यहाँ पे करेंटली नहीं होगा, करंट हो जाएगा. क्या एरर है देख लेते हैं इसको, एक मिनट थोड़ा सा टाइम लेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे गलती कहाँ है, बी पार्ट में एरर है. और क्या गलती है, यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे करंटली नहीं यूज होगा. ओके इसलिए यहाँ पे एरर था. और ऑफ के बाद जो वर्ब आती है ING में आती है, तो आया हुआ यहाँ पे, ये सही है आपका. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. दीज रिसेंटली अपग्रेडेड ब्रांच ऑफिसेस हैव बीन फुली कंप्यूटराइज्ड एंड आर कनेक्टेड टू हेडक्वार्टर्स टू एंश्योर प्रॉपर मॉनिटोरिंग. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें एरर है, आपके सी पार्ट में एरर है, इसी में एरर है. क्या एरर है, यहाँ पे आर नहीं आएगा, रिमूव आर, बस हो जाएगा यहाँ पे. दिस रिसेंटली अपग्रेडेड ब्रांच ऑफिसेस हैव बीन फुली कंप्यूटराइज्ड एंड कनेक्टेड. ओके यहाँ पे आर नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे गलत है. जिस पार्ट में एरर है वो हम देख लेते हैं क्यों एरर है. ओके
116 का देखते हैं क्या कह रहा है। द मॉडर्न डे लाइफ टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल, जो मॉडर्न डे है वो क्या है, टू मैकेनिकल और स्ट्रेसफुल है। तो यहाँ पे किस में एरर है, बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमको लाना है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये पार्ट, इस पार्ट में एरर है। ओके, हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यूरिंग दिस टूरिस्ट सीजन। यहाँ पे कौन सा एरर है, तो यहाँ पे एरर आपका बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्यों एरर है, कि रूल है कि द नंबर ऑफ, जब भी आपका द नंबर ऑफ आए ना, एक मिनट थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी यहाँ पे, जब भी आपका द नंबर ऑफ आए, द नंबर ऑफ आए, तो इसके बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है एंड सिंगुलर वर्ब आता है। ओके, दो रूल है, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। तो आप लोग लिख लीजिए कहीं, द नंबर ऑफ आए या अ नंबर ऑफ आए, दोनों के बाद प्लूरल वर्ब तो आती है, बट जब द नंबर ऑफ आता है ना, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन तो आता है, बट प्लूरल वर्ब भी आता है। ओके, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, जब भी आपका आ नंबर आए तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, ये आ नंबर ऑफ है, ठीक है। और जब भी आपका दा नंबर ऑफ आए, दा नंबर ऑफ आए, तो इसके बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन तो दोनों के बाद आता है, बट इसके वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आता है, दा नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, बट सिंगुलर वर्ब आती है, तो यही रूल है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिया है, द नंबर ऑफ दिया है, इसके बाद आपका प्लूरल नाउन दिया है, लेकिन वर्ब कैसे दिया है, प्लूरल दिया है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए, तो बी पार्ट में ही एरर था। ओके, यहाँ पे बी पार्ट में एरर था, क्यों एरर था ये भी हम जान गए हैं, यहाँ पे इज आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, Unless you take interest into the studies, you will not succeeded in the examination. तो यहाँ पे गलती कहाँ है, बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है, इंटरेस्ट के साथ इन आता है, इंटू नहीं आता है। ओके, ये एरर था। और आपका अनलेस वाला जो सेंटेंस है ना, जैसे आपका अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, इफ हो गया, वेन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, प्रोवाइड हो गया, इन सब के बाद, इन सब का जो सेंटेंस रहता है ना, वो सिंपल प्रेजेंट में जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट में गया हुआ है, यू टेक, और इंटरेस्ट के साथ इन आता है प्रेपोजिशन, इंटू नहीं आता है, इसलिए गलती है। ओके, वन मिनट। तो यहाँ पे एरर पार्ट किस में था, बी में था, और यहाँ पे स्टडीज आया हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल है ना, द, ये नाउन है स्टडीज, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये एक नाउन है, वर्ब नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो बी पार्ट में एरर था, क्यों एरर था, यहाँ पे इन आना चाहिए। नेक्स्ट आगे कह रहा है, डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन हैज़ रिपोर्टेड सीजेबल लॉसेस एंड ही इज़ अनेबल टू पे दियर एम्प्लॉयज़। यहाँ पे क्या कह रहा है, एयरलाइन हैज़, ओके, फिर आगे कह रहा है सीजेबल एंड इज अनेबल, मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है, तो हमारा किस में एरर, एरर पार्ट है, डी पार्ट में एरर है। क्यों एरर है, जब यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे भी आपका सिंगुलर वर्ब है, तो आपकी पजेसिव भी सिंगुलर ही आना चाहिए, तो दियर नहीं आएगा, यहाँ पे इट्स आएगा। ओके, जैसे भी आपका इट्स आ जाएगा, दियर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपका वर्ब सिंगुलर है ना, तो सारी चीज़ को सिंगुलर कर देता है, तो यहाँ पे हैज़ आपका सिंगुलर है, तो आपका पजेसिव भी यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट, वी हैव रिसेंटली बिगेन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग इंश्योरेंस एजेंट्स फॉर आवर नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस। तो आपके ए पार्ट में ही एरर है, क्यों एरर है, क्योंकि आपका हैज़ है वो, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगी थी, बिगेन है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिगन, बी ई जी यू एन, बिगेन, ये आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो इसी में एरर था, क्यों एरर था ये भी हम जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, Many people believe that the nationalization of banks in the 1960s have protected India from the current financial crisis. तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है आपका, शी पार्ट में एरर है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, शी पार्ट में एरर है, क्यों, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए, हैव नहीं आना, अरे यहाँ पे हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, क्यों, क्यों आएगा ये भी हम देख लेते हैं।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्यों आया यहाँ पे, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए, क्यों आया, क्योंकि मेनी पीपल बिलीव, जितना सेंटेंस है दैट आ गया, और दैट के बाद जो सेंटेंस आते हैं वो अलग सेंटेंस हो जाता है, दैट के बाद जो सेंटेंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो द नेशनलेशंस ऑफ बैंक्स, तो यहाँ पे ऑफ आया है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ऑफ प्रेपोजिशन से बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे, तो यहाँ पे हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी पार्ट में एरर है, क्यों एरर है ये भी हम जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी एरर कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है इट टुक मी ऑलमोस्ट अ आवर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे बी पार्ट में ही एरर है, आवर के साथ ए नहीं एन आएगा, क्योंकि आवर हम साउंड निकाल रहे हैं तो आ से आ रहा है, आ क्या है हमारा वाउल, वाविल है, वाविल के साथ हम क्या लगाते हैं ए नहीं एन लगाते हैं। ओके नेक्स्ट, आगे कह रहा है ही हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क, यहाँ पे कहाँ एरर है, सी पार्ट में ही एरर है। ओके तो यहाँ पे आपका दा होना चाहिए बाय द डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क, आप लोग बताइएगा यहाँ पे क्या एरर है, इस पार्ट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सी एरर है। ओके नेक्स्ट, यहीं पे इसको देख लेते हैं दोनों को, द एक्सीडेंट वॉज अवर्टेड एज द ड्राइवर ब्रॉट हिज कार टू बी अ सडन स्टॉप, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। यहीं पे ये भी देख लेते हैं आपका, वन लास्ट क्वेश्चन है आज का, 125, अंडरस्टैंडिंग डायनामिक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन ईजी टास्क, तो आपके डी पार्ट में ही एरर है, क्या एरर है देख लेते हैं, टास्क क्या है आपका नाउन है और एन क्या है आर्टिकल है, तो नाउन और आर्टिकल के बीच में क्या आना चाहिए आपका एडजेक्टिव आना चाहिए, तो ईजी क्या है ई ए एस ई, ये एक ई ए एस ई, ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी बनता है, तो ये नाउन है ईज, ई ए एस ई, ये ईज है, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा ईजी, ई ए एस वाई, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है ना कि नाउन की, क्योंकि एक नाउन यहाँ पे है तो यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, तो क्या आएगा ईजी, ई ए एस वाई, ईजी, ईज नहीं आएगा क्योंकि ईज क्या है एक नाउन है। ओके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे ईजी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 125 क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको, और आपको इतने ही एक्सप्लेनेशन चाहिए कि और डीप जाना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, या फिर इतना ही एक्सप्लेन चाहिए, ये भी आप अपना बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपने कितने क्वेश्चंस इसमें कर लिए हैं। ओके चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इतना ही एक्सप्लेन चाहिए या फिर और डीप, क्योंकि और डीप जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, 125 क्वेश्चन पर क्वेश्चन अगर हम एक्सप्लेन करें ना तो वीडियो लेंदी वाकई में हो जाएगी। ओके आज बहुत जल्दी चले थे, उसके बाद भी देखिए वीडियो लेंदी हो गई है, आपको कैसे लगे अपना बताइएगा ज़रूर फीडबैक। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और आप सबको हैप्पी दिवाली, आप लोग खुश रहिए। ओके आई प्रे गॉड, मतलब मैं गॉड से प्रे करूँगी कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपकी आपका एग्ज़ाम निकल जाए, नेक्स्ट दिवाली से पहले ही आप लोग टीचर बन जाए, अपने अपने स्कूल में रहें। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।